हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं आउटलुक कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसका स्टेप क्या है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। इससे पहले सबसे पहले हमको करना क्या होता है, आउटलुक का इस्तेमाल करने से पहले हमको जीमेल में कुछ सेटिंग करने होते हैं। जब तक उस सेटिंग को करेंगे नहीं, तब तक हम आसानी तरीके से आउटलुक कन्फिगर नहीं कर सकते। तो चलिए, हमने जीमेल ओपन किया है और जीमेल ओपन करने के बाद से हमें क्या करना होता है, अपने अकाउंट में कुछ सेटिंग करने होंगे। और सेटिंग करने के लिए सबसे पहले जाना है सेटिंग, कहाँ पे जाना है, सेटिंग में मतलब जीमेल आईडी को ओपन कर लेना है। जीमेल आईडी को ओपन करने के बाद से सेटिंग पे आना है, और सेटिंग पे आने के बाद से यहीं पे लिखा है सी आल सेटिंग। क्या है? सी आल सेटिंग। सी आर सेटिंग पे क्लिक करना है, और सी आर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आएगा फॉरवर्डिंग एंड पीओपी आईएमएपी। इधर आपको फॉरवर्डिंग एंड पीओपी एंड आईएमएपी, चलो क्या है मैं अभी बता रहा हूं, इसको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैसेज आ रहा है पीओपी डाउनलोड। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको इनेबल करना है। क्या करना है? इनेबल करना है। देखिए लिखा गया है इनेबल पीओपी फॉर आर मेल, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्या करना है? यहाँ पे क्लिक करना है। अब क्वेश्चन करता क्या है, तो देखिए यह इनेबल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक ये हमारे जीमेल में इनेबल नहीं होगा, तब तक आउटलुक में हम कोई भी मेल क्या रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब प्रोटोकॉल बनाया गया है, ठीक है। मतलब इस प्रोटोकॉल अगर जब तक डिसेबल रहेगा, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटलुक में कोई मेल रिसीव कर ही नहीं सकते। मतलब समझिए, कॉलो किस कौन सा काम करता है, इनकमिंग का काम करता है। मतलब जब तक इनेबल नहीं रहेगा, तब तक काम नहीं करेगा। मतलब मेल कोई भेजता है ना, तो इसके लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जब तक ये प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, तब तक हमारे पास मेल कोई आएगा ही नहीं, और समझे। सेट करना मैंने इनेबल किया तो कर हाँ, सकते हैं। नहीं हो पाएगा, क्लियर है। अगर आपको क्या मतलब, जैसे मान लो उनको पढ़वाना से कसिया जाना है, तो कोई ना कोई वे चाहिए, ठीक है ना। अब किसके सहारे जाओगे, तो सपोज मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, चाहूंगा तो पैदल भी जा सकता हूँ, चाहूंगा तो साइकिल से भी जा सकता हूँ, चाहूंगा तो गाड़ी से भी जा सकता हूँ, जा सकता हूँ ना। वैसे ही देखो, यहाँ पे जो मेल दूसरे लोग भेजते हैं उसके लिए प्रोटोकॉल बनाएंगे कि बाबू जब मेल आएगा तो पीओपी काम करेगा तो मेल रिसीव होगा, अगर नहीं काम करेगा तो मेल रिसीव नहीं होगा। इसीलिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया, या ईमेल में जीमेल में इनकमिंग का काम करता है। जैसे आप लोग फोन रिचार्ज कराते हो और खत्म हो जाता है टाइम, तो फोन नहीं आता, बोलो आना जाता है, तो पहले आउटगोइंग बंद होता है तब इनकमिंग बंद हो जाता है, बोलो। वैसे ही अगर आपको मेल रिसीव करना है तो इसके लिए पीओपी इनेबल होना चाहिए, क्लियर है। चलिए उसके बाद से नीचे आते हैं, और उसके बाद से अगला है स्टेटस आईएमएपी डिसेबल है, इसको भी हमको क्या करना होगा। जी देखो, कहा जा रहा है एक्सेस जीमेल फ्रॉम द अदर क्लाइंट, मतलब इस जीमेल का इस्तेमाल किसी अदर क्लाइंट, मतलब किसी अदर प्लेटफॉर्म, किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसको इनेबल करना होगा। क्या मतलब है, जैसे जीमेल भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, ईमेल का सर्विस देता है और आउटलुक भी ईमेल का सर्विस दे रहा है, तो हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और ईमेल के सहारे करना है। तो देखो कहा जा रहा है ना आईएमएपी एक्सेस कर एक्सेस जीमेल फ्रॉम अदर क्लाइंट, मतलब इस ईमेल का इस्तेमाल हम सोच रहे हैं अदर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पे इस्तेमाल करना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी इनेबल करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसको भी क्या करना होगा, आपको इनेबल करना होगा। और इनेबल करने के बाद से उसके बाद से कर देना है सेव चेंजेस पे क्लिक। इंटरनेट मैसेज सर क्या अभी लिखवा दूंगा, देखिए इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। चलिए अब देखिए यह हो गया, अब इतना करने के बाद ये पहला सेटिंग है जीमेल में। अब दूसरा सेटिंग आपको क्या करना होगा,
तो चलिए दूसरा सेटिंग बता रहा हूं। तो सेटिंग पे फिर से आएंगे और फिर से सी आर सेटिंग पे आ जाएंगे। सेटिंग पे आने के बाद कहाँ आएंगे? सी आर सेटिंग पे आएंगे और सी आर सेटिंग पे आने के बाद से आपको आना है अकाउंट एंड इम्पोर्ट पे। कहाँ पे आना है? अकाउंट एंड इम्पोर्ट पे। और अकाउंट एंड इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद से यही पे देखो आपका आना था अदर गूगल अकाउंट सेटिंग। क्या है? अदर गूगल अकाउंट सेटिंग। हमको अदर गूगल अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करना है। अब अदर गूगल अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद से यही पे देखिए दिख रहा है सिक्योरिटी, दिख रहा है आपको? yes. तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इनेबल करने होंगे तभी ये काम करेगा। तो सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद से और नीचे आएंगे और देखिए यही पे लिखा है टू स्टेप वेरिफिकेशन। बताइए टू स्टेप वेरिफिकेशन बताया था हमने? yes. तो सभी लोग को अपने अपने जीमेल आईडी में, जिसकी जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं हो वो आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, तो आप लोग जाके टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। कैसे ऑन करना बताया गया था? बोलिए कैसे ऑन हो गया सर? आप बताए थे उससे मैं, हाँ मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या करना होगा आपको, ऑन करना होगा। कैसे करते हैं मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले इसको ऑफ करके दिखा रहा हूँ, दिख रहा है यहीं पे ना? टर्न ऑफ, ठीक है? चलिए ऑफ कर दिए। तो देखिए यहाँ पे आएंगे तो देखो यहाँ लिखा है ना टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है? ऑफ है। तो क्या करना होगा हमको? सबसे पहले ऑन करना होगा, मतलब जिसके में ऑन नहीं होगा करना पड़ेगा, ऑन करो। और ये मेरे को लिखा है गेट स्टार्टेड, क्या करेंगे आपको? गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद से कर देंगे कंटिन्यू, उसके बाद से फिर से सेम कूद गया है। कर देंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो मैसेज आ गया ना टर्न ऑन, क्लियर है? तो मैंने टर्न ऑन भी करना आपको सिखा दिया। अब टर्न ऑन करने के बाद से देखो ऑफ का ऑप्शन है, ऑफ नहीं करना है। अब फिर से थोड़ा सा क्या करना है? बैक आना। और बैक आने के बाद से फिर से हमको सिक्योरिटी में ही जाना, ठीक है ना? और सिक्योरिटी में जाने के बाद से देखो यहीं पे ऑप्शन आता है ऐप पासवर्ड। क्या है ऐप पासवर्ड हम बता रहे हैं? तो ऐप पासवर्ड पे क्लिक करना होगा इसके लिए। अब आउटलुक कॉन्फ़िगर करने का स्टेप चेंज हो गया थोड़ा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेलेक्ट द ऐप एंड द डिवाइस यू वांट टू जनरेट द ऐप पासवर्ड। मतलब अगर आपको अदर किसी डिवाइस पे इसका इस्तेमाल करना है इसके लिए आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा, ठीक है? तो यही लिखा रहा है सेलेक्ट ऐप किस पे इस्तेमाल करना है, यूट्यूब पे, कॉन्टेक्ट पे, कैलेंडर पे, अदर कस्टम नेम पे। तो बोला नहीं सर मेल पे। किस पे इस्तेमाल करना है? मेल पे। तो मैंने मेल ले लिया। अब कहा जा रहा सेलेक्ट डिवाइस, क्या है बाबू? सेलेक्ट डिवाइस। तो यहाँ पे सेलेक्ट डिवाइस पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए ले लेंगे विंडो कंप्यूटर। क्या लेंगे? विंडो कंप्यूटर। और विंडो कंप्यूटर के बाद से हम कर देंगे यहाँ पे जनरेट। क्या करेंगे? जनरेट कर देंगे। सर फोन में यूज करना होगा, ये कंप्यूटर पीसी में होता है सबसे बेटर, पीसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जीमेल है, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं और आने वक्त क्या करना है हमको, ये जो हमारा पासवर्ड जनरेट हुआ है इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है? और कॉपी करने बाद क्या करना है? डन कर देना है इसको। क्या करना है बाबू? डन करना है। कॉपी करेंगे, कॉपी करके मैंने डन किया और एक पासवर्ड जनरेट हो गया। हाँ, इनकेस अगर इस्तेमाल नहीं करना तो इस पासवर्ड को क्या कर सकते हो यहाँ से? डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है डिलीट का, क्लियर है? तो चलिए मैंने इतना कर दिया। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर देंगे, मतलब जीमेल में जितना सेटिंग है वो कर दिया हमने। अब आउटलुक ओपन करेंगे किसके लिए? कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अब कोई पूछता है आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, तो बताना आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही है कि उसको हम लोग इनेबल कर रहे हैं उस लायक की आसानी तरीके से उसे मेल भेज सके और रिसीव कर सके।
मतलब जब तक उसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे ना, खुल तो जाएगा लेकिन उससे किसी को मेल नहीं कर सकते हैं ना मेल रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अपने जीमेल आईडी से उस आउटलुक को कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा। जब तक कॉन्फ़िगर करेंगे नहीं तब तक आउटलुक का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप है, ध्यान से सुनना थोड़ा। इसके लिए सबसे पहले जाएंगे विंडो प्लस आर और लिखेंगे आउटलुक, क्या लिखेंगे विंडो प्लस आर और लिखेंगे आउटलुक, और आउटलुक लिखने के बाद से कर देंगे इसको ओके। ओके करते देखिए यहाँ पे ऑप्शन यही से ऑप्शन आएगा, ठीक है, लेट गेट स्टार्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू स्टेप, ठीक है। तो चलिए कुछ स्टेप हमको फॉलो करने होंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, मैनुअली अकाउंटिंग उसको करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो पहले होता था, इस समय मैनुअली नहीं हो पाएगा क्योंकि लेस सिक्योर पासवर्ड वाला ऑप्शन जीमेल क्या कर दिया, हटा दिया। इसके लिए अब करना होगा तो ऑनलाइन ही करना होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, इसके लिए बस हमको करना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने में देखो पूछा जाता है कि डू यू वांट टू सेट अप आउटलुक टू कनेक्ट एन ईमेल अकाउंट, बोला यस, नो करो तो मैनुअली करना पड़ेगा, तो मैनुअली ऑप्शन है नहीं, यस ही रहने देंगे और कर देंगे यहां से नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते ही देखो यहां बताया जा रहा है क्या, ऑटो अकाउंट सेटअप, क्या है बाबू, ऑटो अकाउंट सेटअप, और यहाँ पे देखो आउटलुक कैन ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर मेनी ईमेल अकाउंट, और ईमेल अकाउंट में यहाँ पे योर नेम, तो नेम जो भी है भर देते हैं, क्या नेम है बाबू, शुभम लिखे हो ना ऊपर, शुभम शुभम गुप्ता, इसको भी कर देते गुप्ता। चलिए ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है, ईमेल एड्रेस हमको डालना है, ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे, और आके यहाँ पे क्या करना है, इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद से पासवर्ड, और यहाँ पे लिखा है रीटाइप पासवर्ड, पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड, तो पासवर्ड में जीमेल के पासवर्ड नहीं डालेंगे, जो जनरेट किए हुआ डालेंगे। तो यहाँ पे अभी जो मैं लो उसको भी चलिए इसके फिर आ जाते हैं इसी सेटिंग पे। हमने पेस्ट उसको भी कॉपी कर लिया ना, तो सिक्योरिटी पे आते हैं, पासवर्ड इसी कॉपी कर लेते हैं जो पासवर्ड हमारा जनरेट हुआ था। अब पासवर्ड बोलना पड़ेगा, बोलिए मुझे थोड़ा सा गलत। अब पासवर्ड दोनों में पेस्ट करने के बाद से यहाँ पे हमको करना क्या होगा, नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करते ही ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, पूरा सेटअप करेगा ईमेल का। अगर कोई दिक्कत एरर आएगा तो एरर दिखेगा, अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो आसानी तरीके से कॉन्फ़िगर हो जाएगा, अभी मैसेज हमारे सामने आएगा। करते हैं नेक्स्ट, चलिए सिर्फ एक बार और रिट्राई करते हैं, नेट इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। आ गया, बोलो यहाँ आ गया, योर आई एम ए पी ईमेल अकाउंट इज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर, क्लियर है, कर देंगे यहाँ से फिनिश। अब देखो आउटलुक खुल जाएगा, और इनके जितने मेल होंगे सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे। देखो सर ये उस समय आप ही बनवाए थे ये सब, हाँ हाँ शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, तो
इसको डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट कर दो इस अकाउंट को। नहीं, इसको ये तो ठीक अच्छा है सर, डिलीट कैसे करेंगे? चेंज हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा।